अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, आपसे ठीक से चला नहीं जाता, उठा बैठा नहीं जाता, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त आयुर्वेदिक नुस्खा शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आपके घुटनों के दर्द को कम करने में, घुटनों की सूजन को कम करने में, आपके घुटनों में जो गैप आ गया है उसको भरने के लिए और आपके घुटनों के अंदर कम हो चुकी ग्रीस को पूरा करने के लिए आपकी मदद करें। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम घुटनों में होने वाले दर्द के कारण को समझ पाएंगे तभी उसका इलाज सही ढंग से कर सकेंगे। दोस्तों, देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो घुटनों का दर्द होता है वो औरतों को ज़्यादा होता है। मर्दों को भी घुटनों का दर्द होता है, लेकिन उसके मुकाबले औरतों में ये समस्या ज़्यादा पाई जाती है। दोस्तों, इसका जो मुख्य कारण है वो होता है कैल्शियम की कमी। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हड्डियों में कैल्शियम कम होना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से हमारे जोड़, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाते हैं और उनमें दर्द होने लगता है। वैसे तो इस तरह का दर्द बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, लेकिन सबसे पहले इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है घुटनों के दर्द से। दोस्तों, वजन का ज्यादा होना भी एक बहुत बड़ा कारण है घुटनों में दर्द होने का। जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है, जो लोग ज्यादा मोटे होते हैं, कंपैरेटिवली घुटनों का दर्द उनको ज्यादा होता है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी बीमारियां भी होती हैं, बहुत से ऐसे इन्फेक्शंस भी होते हैं जिसकी वजह से आपको घुटनों में दर्द हो सकता है। दोस्तों, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण भी आपके घुटनों में दर्द बना रहता है। कारण चाहे जो भी हो दोस्तों, लेकिन इसकी वजह से आपके घुटनों की जो कार्टिलेज होते हैं वो घिसने लगते हैं। घुटनों के अंदर गैप का कम हो जाना भी इसका बहुत बड़ा कारण हो सकता है और कई बार घुटनों में ग्रीस भी कम हो जाती है जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द होने लगता है। गैप कम हो जाने से क्या होता है दोस्तों, जो जोड़ों के अंदर जो दोनों सिरे होते हैं, जो दोनों हड्डियां होती हैं, वो आपस में रगड़ खाने लगती हैं, जिसकी वजह से आपको घुटनों में दर्द होता है। तो ये तो थे घुटनों में दर्द होने के कुछ कारण, लेकिन दोस्तों इन कारणों को खत्म करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि कोई रेमेडी को फॉलो करना। जब भी हमारे घुटनों में दर्द होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरी तरह से आराम करने लगते हैं, यानी अपने घुटनों पर कोई भी जोर नहीं देते, चलना फिरना तक बंद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा करना बिल्कुल गलत है, लेकिन बिल्कुल ही आपको आराम पर नहीं जाना है। आपको थोड़ा बहुत चलते फिरते रहना चाहिए, हल्की फुल्की वॉक एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। चाहे आपके घुटने में कितना भी दर्द हो, आपको हल्के हल्के चलना जरूर है। साइकिलिंग भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको घुटनों में दर्द रहता है तो आप साइकिलिंग कर सकते हैं। साइकिलिंग करने से आपके घुटनों के ऊपर बहुत कम प्रेशर पड़ता है। इसके अलावा आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है घुटनों की एक्सरसाइज का। दूसरा तरीका है दोस्तों, अगर आप ओवरवेट है, यानी आपका वजन बहुत ज्यादा है, तो सबसे पहले आप अपने वजन को कम करें। और अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है तो आप दूध या फिर इससे बनी चीजों का इस्तेमाल करें, जैसे कि पनीर, दही, या फिर आप दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अंडा, चीज, टोफू। इन सब चीजों को भी आप अपनी डेली डाइट में लेकर के कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इन छोटी छोटी चीजों को अगर आपने अपना लिया तो घुटनों के दर्द की जो आप तकलीफ सहन कर रहे हैं वो आप ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक नुस्खा आपको बताने जा रही हूँ, जिसको अगर आप ले लेते हैं ना, तो आपकी 60% घुटनों की जो दर्द की समस्या है ना, वो इस नुस्खे से ही ठीक हो जाएगी, और बाकी की 40% अगर आप बाकी की चीजों को फॉलो करते हैं जो कि मैंने आपको वीडियो में बताई। ये आयुर्वेदिक नुस्खा बहुत ही आसान है और घर पर रखी चीजों से आप इसको तुरंत बना करके तैयार कर सकते हैं। इस नुस्खे के प्रयोग से आपको घुटनों के दर्द में कमी लाने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। इसको बनाने के लिए जो हमने चीजें ली हैं वो है 50 ग्राम मेथी दाना, 50 ग्राम मैंने यहाँ पर जीरा लिया है, 50 ग्राम की मात्रा में आपको सौंठ यानी ड्राई जिंजर पाउडर लेना है, और 25 ग्राम की मात्रा में आपको काली मिर्च लेनी है। इन सभी चीज़ों को आप ले लें और इनको अच्छी तरह से मिक्सर ग्राइंडर में बिल्कुल बारीक बारीक पीस लें। अच्छे से इसको बिल्कुल बारीक पाउडर जैसा आपको तैयार कर लेना है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ी मात्रा में बना करके बता रही हूँ। आप जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है उस रेशो में सभी चीज़ों को लेकर के इसको बना करके स्टोर कर सकते हैं। आप इसको अच्छी तरह से पीस लें और चाहे तो इसके बाद में आप इसको एक छलनी से अच्छे तरीके से छान लें। जो छन करके बारीक पाउडर निकलेगा उसको आप किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल करके स्टोर करके रख लें। अब बात करते हैं इसकी कितनी मात्रा आपको इस्तेमाल करनी है और किस तरीके से आपको इसको इस्तेमाल करना है। दोस्तों, आपको इस पाउडर के लगभग आधे चम्मच की मात्रा को
दिन में दो बार लेना है। जैसे एक बार आप सुबह के समय ले लें और एक बार आप शाम के समय ले लें। जैसे कि सुबह आप नाश्ता करने के एक घंटे के बाद में इसे ले लें और रात में जब आप खाना खा लेते हैं उसके एक घंटे के बाद में आप इसको ले सकते हैं। एक ग्लास हल्के गुनगुने पानी में आधा चम्मच इस पाउडर को मिला करके आपको दो समय लेना है। दोस्तों ये नुस्खा आपको लेने में थोड़ा सा तीखा लग सकता है, अगर आपको ये ज़्यादा तीखा लगता है तो आप इस पे एक चम्मच शहद मिला करके इसको ले सकते हैं। ये नुस्खा आपके घुटनों के दर्द को कम करने में आपको हेल्प करेगा, साथ ही आपके जोड़ों में जो इन्फ्लेमेशन है, जो सूजन की समस्या है या जोड़ों में अकड़न हो रही है, ऐठन हो रही है, उसको भी कम करेगा। घुटनों के अंदर जो आपके गैप खत्म हो गया है, जो क्रीज खत्म हो गई है, उसको दूर करेगा। इसको लेने से आपके जोड़ों में चिकनाई पैदा होगी जिससे आपको चलने फिरने में आसानी होगी। इस नुस्खे को कम से कम आपको 40 दिन लेना है और लगातार लेना है, तभी आपको इसके पूरे फायदे मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की जानकारी, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि और भी लोगों को इसका फायदा मिल सके। मिलती हूँ आपसे नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।